अभी हमें यहाँ पे बोर्ड दिखाया 100 मीटर्स हम लोग पीछे हैं अभी म्यूजियम से, और बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम, ये जो बाल्टी है, बाल्टी यहाँ का लोकल लैंग्वेज भी है। तो म्यूजियम के अंदर हमने सुना काफ़ी अच्छा चीज़ है देखने का, तो एक बार अंदर चलते फिर आपको और दिखाते हैं। हमें बोला सीधा जाने के लिए, एक बार रास्ते यहाँ पे दो है, देखता हूँ कौन सा वाला है। आपको बिल्कुल गांव जैसा फीलिंग आ जाएगा, और एफ्रिकॉट का गाछ और एफिल का गाछ आपको काफ़ी मिल जाएगा इस गांव में। अभी हम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गांव में ही हैं और गांव में हम घूम रहे हैं, जैसे आफ्टरनून के बाद शाम से पहले जैसे हम घूमते हैं, ऐसे ही हमें लग रहा है कि हम कोई गांव में आ गए और आप घूम रहे हैं। लेकिन डिफरेंस यही है कि ये आपका एक टूरिस्ट के लिए प्लेस है एक गाँव, और हमारा गांव हमारे गांव जैसा ही होता है। अभी हम लोग पहुंच गए म्यूजियम में, गेट है, अभी अंदर चलते। सच में ये जो म्यूजियम है खुद ही एक म्यूजियम लग रहा है मुझे, बाकी देखते हो। क्योंकि इस गांव में ना आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है, दिन में शाम के टाइम आता है 7:40 पे और 11 बजे चला जाता है, फिक्स टाइम है रेगुलर। इधर भी देखो आपको एप्पल गाछ है और एफ्रिकॉट गाछ है ऊपर। चलो देखता हूँ, अभी मुझे बंद लग रहा है लेकिन किसी को मैं पूछता है, बड़ा मैं आवाज़ तो मिल रहा है ऊपर में, शायद कोई और है अंदर। मैं जाते बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम, विजिटिंग चार्जेस 50, विजिट टू द इनसाइड ऑफ नेचुरल कोल्ड स्टोरेज 20, लोकल पेशन सोर्स ड्राई फ्रूट आर ऑल्सो अवेलेबल हियर। और तुक-तुक के बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिया है, ये आप जूम करके पढ़ लेना, ये तो बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ। रिव्यू ऑन गूगल, प्लीज डू नॉट स्टार्ट द नेगेटिव। हाँ मैडम बोलिए। अंदर घूमने के लिए है जी, देखने का कहाँ है जी? अंदर है। ओके चलिए दिखाइए। शूज पहन के? एक सौ 140-150 के बीच में बना हुआ पुराना घर, ईसा के परिजन। अच्छा 120 साल पुराना? 140 साल पुराना जी। okay. सामान उससे पहले के सामान है, सामान उससे पहले का भी है। यहाँ पे लिखा है कुछ बच्चों ने लिखा है। अच्छा अब आपको बताने की कम है, इंग्लिश नहीं था इसलिए। ओके ये सब क्या काम में आते हैं? खाने बनाने के लिए पहले इसी डेक में शादी के वक्त खाना बनाते थे। शादी का खाना स्टोन को 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना है ये सब पुराना। ओके ये आयुर्वेद के सीरीज बनाया था, धनुष तलवार। ओके इसके अंदर गोपाल ग्रास के आटा गुनने के पानी रखने की। ओके और ये किस चीज का था? ये किसका था? आयरस। ओके इसके अंदर घोड़े के सामान है, पोलो खेलने की और एग्रीकल्चर के सामान। पोलो ग्राउंड भी इधर है ना सामने? ओके ओके यहाँ पे बैटरी है इसलिए लाइट है ना जी। बाकी गांव में लाइट पूरा दिन रहता है क्या? नहीं जी नहीं, शाम के 7 से 11 बजे तक। ओके 4 घंटे 7 से 11 बजे तक। अभी तो 7 बज गया, सर अभी करंट आ गया, लाइट आ गया, अभी 7:30 आ जाता है। ये आपका पोलो का पोलो खेलने का पोलो है। अच्छा ये एग्रीकल्चर वाला है। ओके तो ये क्या पुराना सामान है? पुराना जमाने पुराना सामान। ओके इसके अंदर बेडरूम था, पुराना ड्रेस। ओके पुराना शूज, पुराना जो आप लोग यहाँ पे यूज करते थे जी। पहले हम बाल्टी कल्चर है, बाल्टी कल्चर की ड्रेस। अच्छा बाल्टी मतलब आप लोगों को बाल्टी कल्चर है, लद्दाखी कल्चर है नहीं, उसी जैसा हम बाल्टी कल्चर। आप लोग बाल्टी कल्चर जैसे अलग अलग सब होता है, मारवाड़ी मराठी
ये सब जैसे अलग अलग कल्चर आपका बालती है, हम बालती हम लोग बालती और काल लैंग्वेज भी बालती है, बालती लैंग्वेज भी बालती है। ओके, अच्छा आप लोग ये यूज करते थे पहले जी, अभी ऐसे नहीं यूज करते? अभी ऐसे नहीं। टोपी ये कितना पुराना है? बहुत साल पुराना है भैया, तो एक वन पीस वो छह जनरेशन चल रहा है बोलता है। अच्छा, वन ड्रेस ये ताला ये हाइवेसिंस बैंक तो यहाँ पे जैसे पहले पाकिस्तान का अंडा था ना ये सब, तो कतर के बाद हम इंडिया में, कतर के बाद हम, कतर के बाद तो आपके फैमिली में कोई है जो पाकिस्तान में चले गए और आप इंडिया में? मेरी बहन था वहाँ, था मतलब अभी इंडिया में? अभी नहीं, अभी पाकिस्तान, अभी वो गुजर गया। अच्छा गुजर गया, ओके ओके, उसकी औलाद है वहाँ। अच्छा बता, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सा गाँव में? पाकिस्तान गिलित हैदराबाद में, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद काफी दूर में है फिर। और कुछ है? और किचन है। अच्छा इधर ही है किचन? इधर है। ये भी किचन का है। ये आपका चन्मा कुछ है? हाँ आपका लोडिंग लोड आ रहा है, एक बार लाइट बंद कर दो उधर का मेरी सबसे। इधर लाइट ऑन करिए। ओके आप भी आइए, आप थोड़ा समझोगे हमें। ये किचन ये चूल्हा, पत्थर का चूल्हा, तवा पत्थर का, ये सब लिखा है बतौले। ओके, चूल्हा को हवा देने के लिए भुतपा, ऐसे हवा को हवा से आग जलाने की ऐसे। ओके ये मैं दोबारा बता। अच्छा नया सिस्टम लगा मुझे। अच्छा उसके अंदर जो हवा रहता है, हवा रहता है इसे हम इसे हवा देते इसे। ओके जलाने की वो लस्सी पॉट, ये चाय में दूध मक्खन डाल के मिक्स करने की। अच्छा सुतून को अरे चाय में दूध मक्खन डाल मिक्स करते हो जी, इसे मिक्स करने से उसमें क्या होता है फिर, अलग क्या होता है उसमें? उसमें चाय पत्ती है ना अलग, आसाम टी को उबाल के पहले बनाते हैं, उसमें थोड़ा सोडा और चाय डाल के उबालते हैं, बाद में थोड़ा नमक और दूध मक्खन डाल के। हमें मिलेगा अभी पीने के लिए? अभी मिलेगा। ओके ये माचिस पहले जमाने की। ओके कभी जलता है कभी नहीं, इसे इसे रगड़ के जलाते थे। इसमें सूखा घास की जरूरत थे, थोड़ा सूखा घास साथ रखते ऐसे रगड़ के जलाते, कभी जला ऐसे आपको देखा ही नहीं, चाबी जलानी थोड़ा जला। ये खाने की बॉल, उसको मजबूरी से लकड़ी की लकड़ी की बॉल बनाते हैं। किस चीज का है ये? लकड़ी का, लकड़ी का है। अगर हाँ लकड़ी का है, ये लकड़ी का, ये लकड़ी का ये इसमें दूध निकालने की गाय की। ओके वो भी लकड़ी का है? ये भी लकड़ी का, वो वाला बड़ा, ये भी लकड़ी का। ओके ये गाय के दूध निकालने के। ये लकड़ी का चम्मच, इसके अंदर है किचन का स्टोर ग्लान बॉक्स, ये लस्सी निकाल, ये आपका अच्छा लस्सी निकालने वाला। ये रोटी को डिजाइन, हर रोज रेसिपी डिजाइन, किस चीज का डिजाइन बोलो? लकड़ी के रोटी, हाँ, रोटी पे ईट और अच्छा रोटी का डिजाइन बना दो। मैं 21 मार्च फेस्टिवल ना इस दिन मायके में रोटी बेचते थे। किस कौन सा दिन? ईद और 21 मार्च ईद जैसा ईद के दिन, ईद के दिन उसमें मायके में रोटी बेचते थे, रोटी पूरी जैसा उस दिन जैसे डिजाइन करते हैं, मतलब रोटी के ऊपर ऐसे ऐसे देते तो इसका डिजाइन हो जाता। ओके तो एक फिक्स ऐसे डिजाइन है या अलग अलग कोई भी डिजाइन बनाते थे? ये ऐसा डिजाइन है, ये अलग नहीं है। अच्छा, ये वाला और ये भी। अच्छा ये दोनों तरफ का, दोनों तरफ का अलग है। ओके अच्छा तो अभी भी ऐसा हो रहा है कि पहले ऐसा होता था? अभी ऐसा नहीं, ऐसा दिल है अभी नहीं है उसके अंदर, छोटे बच्चे। अच्छा ये
ऐसे छोटा बच्चे के लिए। ओके तो आप इसको म्यूजियम क्यों करते हैं? छोटे बच्चे तो अभी भी ऐसे ही रहते हैं। नहीं अभी आजकल हम यहाँ बैठते ही नहीं, इसी रूम में बैठते थे। पहले ड्रेस लगाते थे हमारे पुराना घर को देखने के लिए, पुराना सामान को देखने के लिए। अगले साल है ना, एक साल हुआ मई से, एक साल बराबर है, उस बच्चों ने ऐसा गीत को बताने के लिए हमारे कल्चर और हमारे पुराना घर। अच्छा, एक साल हुआ इसको बनाया। जी पुराना घर है, उस पिलार जैसा आप देखिए, लकड़ी के पिलार है, सब लकड़ी का घर है, लकड़ी के हाथ से बना हुआ डिजाइन आप लोगों को बताने के लिए। अच्छा, अभी एक साल हुआ इसको बनाया है। एक साल हुआ। ओके, टूरिस्ट आते हैं बहुत? अच्छा जी, बहुत आए, बहुत आते। स्टोर है, स्टोर है, यहाँ पे आप लोग सामान रखते हो? ये हमारे नीचे से जो ऊपर आया वही वाला है? नहीं, वो तो अंदर हो, वो तो इनमें रखते हैं। क्या क्या रखते हो इसमें? जैसे इसमें अनाज रखने की और अनाज बदले रखने की स्टोर। ये दोनों अनाज रखने की और अनाज को रखने की। इसमें क्या करते हैं जो ब्रे बोल क्लिक है? हम देते थे कुछ भी नाप के देते थे अनाज को। अच्छा, बगैर टेस्ट के, जैसे हम लोग केजी मापते हैं ना, आप इसमें मापते हो? नापते थे और टेस्ट लेते हैं ना, वो टेस्ट नहीं लेते। टेस्ट मतलब कैसा टेस्ट है खाने का? खाने के टेस्ट नहीं, जैसे एक होता है ना दुकान में, सब केजी मापते हैं, एक केजी दो केजी ज्यादा लेते ना, ज्यादा नहीं लेते थे, बराबर लेते थे। अच्छा ऐसा। ओके, अनाज जैसे मतलब गेहूं वगैरह हो गया, गेहूं बाजरे। इसमें क्या, ये वाला क्या है? ड्राई फ्रूट रखने का। अच्छा, ये भी ड्राई फ्रूट रखने का। ओके, बकरी और या के ऐसे पसम उठाने के लिए कंचे, ये लिखने की। ओके, ये नामने के ताजू, ये दो की जाते थे, इसके इस पे लिखे रहे। अच्छा, इसमें कुछ लिखा भी है? लिखे लिखे, ये एक किलो, ये दो किलो, ये। अच्छा, इधर से, इधर से दो किलो होते थे। अच्छा, उधर से होगा फिर एक किलो, एक किलो। अच्छा, सामान रखते। एक सेकंड में आपको समझाता हूँ, फिर दोनों तरफ नहीं जाएगा, इधर भी तो होना, एक तरफ। अच्छा, मतलब उसको ऐड करना है, इसको ऐड करना इसी तरह। तो अब इसको आप छोड़ दोगे? अच्छा, इस इधर पकड़ोगे इसको? हाँ, ओके, इधर पकड़ते। और वो जहाँ पे जाके रुकेगा उतना किलो होगा? इस पे एक किलो आते थे, फिर इस पे दो किलो। अच्छा, अभी थोड़ा समझ में आया, जैसे मतलब आपको एक किलो देना है, ये आपका एक किलो है, एक किलो हो गया, तो यहाँ पे आपने दिया, अभी जब तक वो पूरा सामान उस पे रखे तो एक किलो बराबर होगा, तब वो एक किलो। ओके, काफी यूनिक आइडिया है। और अभी भी ऐसे करते हैं या अभी नहीं? अभी नहीं, ये सब पुराना हो गया। ये कुत्ते पालते हैं, उसको बकरी ज्यादा रखने से कुत्ते के बर्तन खाने के। ओके ओके, ये और ये तो खाना खाना पीसने का है ना, ये वाला खाना, ये मसाला पीसने, मसाला पीसने वाला। ये याक के बाल से बनाए हुए रस्सी, ये गोट के बाल से, ये शिव के बाल से, शिव के बाल से शाल बनाते है, अभी हम इसे शाल बनाते है। क्या के बाद रस्सी, गोल के बाद की रस्सी, ये छोटा सा पास, ये चमड़े का बोतल जैसा बनता है। इसमें क्या करते हैं? बोतल में पानी रखते हैं क्या? पानी रखते, पानी रखना, पानी लेने के लिए। यही आग का पुल। ओके, बस और कुछ? इनको देख के आप ये मत समझना कि यहाँ पे एलियन आ गया। अभी हम लोग जो अभी आंटी हमें म्यूजियम देखा है, जिनके पास म्यूजियम है, उनके अभी छत पे आ गए हम लोग, और छत से आपको हम देख रहे हैं बाकी और भी घरों का, छत हमें देख रहे हैं, और सच में मज़ा बहुत आ रहा है। अभी शाम हो गया इसलिए आपको शायद लाइट भी थोड़ा सा कम आएगा, बाकी आप देखो एप्पल गाछ देखो, ऐसे आपको कहाँ मिलेगा साहेब, गांव में छत के ऊपर इतना आपेल हम लोगों को कहाँ मिलेगा। आई होप जो लोग गांव से बिलोंग करते थे और अभी कोई भी रीज़न में
शहर में रहता है वो लोग इस वीडियो देखते देखते अपना गांव को याद करेंगे। अभी ऊपर आके हमने एप्रिकॉट भी ले लिया और एप्पल गाछ से एप्पल भी ले लिया और इसको भी टेस्ट करना है। सच में आपको बिल्कुल गांव जैसा फीलिंग हो जाएगा, लेकिन एक अलग सा फीलिंग। अब देखो मेरे पीछे पहाड़ और एप्पल गाछ, एप्रिकॉट गाछ है, छत पे आ गया आपका इतना फूल गाछ है अलग अलग, और वहाँ पे देखो पेड़ के नीचे खटिया है बैठने के लिए गर्मी में, मतलब एक अलग सा फीलिंग है। अभी मेरे हिसाब से लाइट आ गया, टाइम हो गया 7:40 का, क्योंकि दूसरा मैं जो मकान के ऊपर छत पे लाइट देख रहा हूँ, तो थोड़ा हमें भी जल्दी करना है क्योंकि रूम पे जाके थोड़ा हमें भी सब चार्जिंग वगैरह करना है, 4 घंटे के लिए लाइट रहता है। और बाकी आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चीज़ दिखा दिया आज इस वीडियो के अंदर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिना लाइक किए मत जाना, लाइक भी कीजिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली में कोई इधर लेह लद्दाख में आ रहा है तो उनके साथ भी ऐसा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी काफ़ी चीज़ जानने को मिलेगा आने से पहले, और आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हमें देखो कितना अच्छा है भाई, आके गार्डन में हम लोग आ गए। भाई अभी हमें चेरी तोड़ के खिलाने वाला है। भैया को मैं किचन आपको दिखाया, अभी देखो कितना अच्छा किचन है। भैया अभी हमें चेरी देने वाला। ओके भैया आपका नाम क्या है? जी मेरा हैदर। हैदर हैदर, आप लोग आपके इसमें होमस्टे रहते हो क्या? नहीं सर। ओके नहीं, आपको इतना अच्छा किचन देख के मुझे लगा कि आप लोग होमस्टे रहते, इतना बड़ा किचन। नहीं नहीं। ओके लोकल है। ओके आसाम टी दिया और उसको उबाला और नमक दूध बटर। ओके नमक और बटर एक्स्ट्रा इसमें। अच्छा बटर के लिए इसका जो कलर है थोड़ा सा डिफरेंस आ गया? नहीं नहीं, जो मतलब इससे थोड़ा टेस्ट अलग आता है बटर से थोड़ा। इसका कलर भी तो अलग लगा, जैसे हम लोग जो दूध लगाते हैं दूध। हाँ हाँ, उसका कलर इसका कलर थोड़ा अलग आ गया। ओके चलो थैंक यू, तो आप भी पी लेते थोड़ा सा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।